morning, KG Kids. Today we are back again, and today is activity day, right? So we are going to do some activity, and very interesting activity. But before we start our activity, I want to ask you that which day is today? आज कौन सा दिन है? जल्दी बताइए, आज कौन सा दिन है? Yes, 1, 2, 3, and here we go. Today is Friday. Yes, आज Friday है. Okay, so today is Friday. Yesterday it was Thursday, and today is Friday. And tomorrow will be Saturday. Okay, and Saturday and Sunday is our holiday. Yes, so revise this again at home. You should be knowing the 7 days of a week. So, okay, let's start with our activity. आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग करने वाले हैं. It would be activity with some learning. आज मैं आपको पल्सेस के बारे में बताने वाली हूँ. देख रहे हैं आप, ये पल्सेस हैं. आज मैं आपको इन दालों के बारे में बताने वाली हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये है ग्राम, यानी कि चने का दाल. ओके, चने का दाल ऐसा होता है. चने का दाल थोड़ा सा मोटा होता है और इसमें बहुत कर्व्स होते हैं. इसमें देखिए छोटे छोटे डिजाइंस बने होते हैं. तो ये है चने का दाल. ठीक है, चने का दाल बहुत यमी होता है, इसलिए हमें दाल खाना चाहिए बहुत सारा. ये है मूंग दाल. मूंग दाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसे हमें अपनी डाइट में रेगुलर यूज करना चाहिए. ठीक है, मूंग दाल से हमारा डाइजेशन बहुत फास्ट हो जाता है. और लास्ट है अरहर दाल. अरहर दाल को तुर दाल भी कहा जाता है. ओके, मम्मा ये तीनों दाल बनाती हैं और हमें ये दाल हमेशा खाना चाहिए, रोज खाना चाहिए, क्योंकि दाल खाने से हमें बहुत प्रोटीन मिलता है और हम बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे एक एक्टिविटी. सो किड्स, यू हैव टू टेक अ व्हाइट शीट एंड ड्रॉ अ मैंगो ऑन इट. आपको एक व्हाइट शीट लेना है घर पे. मम्मा को बोलिएगा आपको एक व्हाइट शीट देंगी, और या फिर आप ड्राइंग बुक भी ले सकते हैं, और उस पे आपको एक मैंगो ड्रॉ करना है. इट्स आपको ऐसा एक मैंगो बनाना है, और ऊपर उसकी एक स्टेम बनाना है और एक लीफ. ओके, तो ये आपका मैंगो बन गया. अब आपको क्या करना है, आपको दाल लेनी है एक एक करके और इस मैंगो के ऊपर लगाते जाना है. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाना है. किड्स, सबसे पहले आपको इससे बाउंड्री बनानी है. तो आपको एक एक पल्स लेना है, चने की दाल आपको एक एक लेना है, और आप इसकी ऐसे बाउंड्री बनाएंगे. ठीक है, आप ऐसे बाउंड्री बनाते जाएंगे. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे आपको पता भी चलेगा कि चने की दाल कैसी होती है, और आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी. चलिए इसको जल्दी भी करते हैं. आपको सारे पल्सेस सीधा सीधा लगाना है. अगर आप चाहें तो आप अपनी मम्मी का या अपने पापा का या अपने सिस्टर्स का या ब्रदर्स की हेल्प भी ले सकते हैं. देखिए कितना मजा आ रहा है करने में. वाओ, आप ऐसे राजमा, चावल, बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं. पल्सेस येलो कलर की होती हैं. पल्सेस को हिंदी में दाल कहते हैं. देखिए मैंने पूरा कर लिया ना, कितना अच्छा लग रहा है ये. इस एक्टिविटी से बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ में मोटर स्किल्स भी डेवलप होती हैं. उन्हें अपने अपने माइंड को कंट्रोल करना आता है. इससे आप सीखेंगे कि आपको पेशेंस कैसे रखना है,
देखिए इतना हो गया ना, अब मैं बाकी के साइड्स को भी सर ऐसे कर लेती हूँ। और देखिए ये बाउंड्री बन गई है, तो एक्स्ट्रा दाल को हटा लीजिए इसमें से। अब हम मूंग दाल लेंगे, राइट, तो इसको हम इसके सेंटर पे डालेंगे और इसे स्प्रेड कर लेंगे। ओके, अब हम अरहर दाल को लेंगे, जिसे हम तुर दाल भी कहते हैं, और इसे बाकी के स्पेस पे लगाएंगे और इसे स्प्रेड कर लीजिए। थोड़ा सा और डाल लीजिए और स्प्रेड कर लीजिए। एक्स्ट्रा जो बाहर गिर गए हैं उन्हें हटा लीजिए। हो गई ना आपकी एक्टिविटी। अब इसके अब हमें लीफ भी बनानी है, तो लीफ की बाउंड्रीज भी हम इसी दाल से बनाएंगे। So kids, see, our beautiful, yummy, tasty mango is ready. देखा हमने येलो मैंगो येलो पल्सेस को यूज करके बना लिया, राइट? We made, so today we made a mango using pulses. Your homework is that you have to make a mango and color it with pulses, okay? And share your video or a pic with me. Till then, bye bye, take care.